पंजाब हरियाणा दिल्ली रे घन कोहुड़ी पाई वर्तमान रेड अलर्ट रही तेज एनी अधिक आलोचना करवा आम सहित तो सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामणि सार अच्छा सर कौन कहे जमीती कि घन कोहुड़ी नहीं कि गुड़ा एक्सीडेंट होंडा बढ़ी दिल्ली सहित तमाम पंजाब हरियाणा यूपी कौन सार अधिक सूचना अच्छी ना आज लेटेस्ट जो मेनली जो आम आईजीआई एयरपोर्ट जो जोटि 1500 फ्लाइट ऑपरेशन हुए पर डे तेणु अफेक्ट हो कारण मॉर्निंग रे मतलब जब देखिए मिडनाइट रु अच्छी ना डेन्स फॉग तेणु तर कैपेसिटी अच्छी घंटे तार 60 फ्लाइट कैपेसिटी विल रिड्यूस टू 1/3 तेणु नेचुरली फ्लाइट डिले हे जो अराइवल फ्लाइट डाइवर्ट हे तेणु तर दृश्यता दरकार ना विजिबिलिटी तो विजिबिलिटी वाज 50 मीटर आरवीआर अल्सो 200 मीटर सो कैटेगोरी 2-3 ऑपरेशनल बहुत फ्लाइट अच्छा जो कैटेगोरी 2-3 फ्लाइट नुहत दे विल डाइवर्ट सो ये तो गला डेन्स फॉग चली बढ़ी भी पूरा दिल्ली मतलब मेन सिटी नोएडा गाजियाबाद एकदम जीरो विजिबिलिटी सो टुडे इज द मोस्ट इंटेंस डे ता सहित सराउंडिंग लाइक पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश अप टू लखनऊ तेणु ट्रेन जी आस हाईवे भी अच्छी तेणु एक्सीडेंट काली पर दिन रिपोर्ट होता आज आम ऑलरेडी एडवाइस जारी कर टाइम रु टाइम तेणु वार्निंग अच्छी रेड कलर अच्छी आम दुई दिन आज आई ठीक है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली सो मेनली जो मैंने आम ओडिया भाई मैंने भी भौणी मैंने भी आज ए टूरिस्ट से मैंने गोटे केयरफुल रहा दरकार टाइम टू टाइम इनफर्मेसन नवा दरकार फ्लाइट के डिले ट्रेन केिले आ सहित मेजर थिंग्स डब्ल्यू डी ना सो स्नोफल आक्टिविटी ना तेणु आपड़ पहाड़ इलाका को जाते विदाउट स्नोफल नेक्स्ट 7 days पंजाब ए सरी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो शिमला है किंबा आमर मेन जो कैपिटल श्रीनगर नथिंग इज देयर अप टू नेक्स्ट 7 days घन कोहड़ी नहीं कि एमती सिचुएशन केते दिन पर्यंत एक्चुअली 22nd रु इम्प्रूव कर सो 21 तो रही मॉर्निंग 22nd नाइट रु इम्प्रूव कर तेणु आम जो रेड कलर 21 मेनली रखीचु फॉर डेन्स फॉग कि थंडार जो कथ हलु जे आमर जो दिल्ली 6 degree 7 degree इट इज ओके कारण आर नॉर्मल भी जस्ट 1 to 2 degree बिलो तेणु कोल्ड वेव दिल्ली में नहीं बट पंजाब जैसे अमृतसर है आदमपुर है सेठी टेम्परेचर 2 to 4 degree 1 degree भी अच्छी चुरु रे भी अच्छी तेणु नॉर्थ राजस्थान उत्तर राजस्थान पंजाब हरियाणा कोल्ड वेव अच्छी सर ओडिशा परिप्रेक्षी जी कहबा ओडिशा परिप्रेक्षी में केतर स्थान रे 10 degree तले रही किंतु ओवरऑल नॉर्मल टेम्परेचर रही ओडिशा परिप्रेक्षी सर कोन नहीं ए वर्ष एक्चुअली कोन कि मतलब जो कोल्ड वेव है जो शीत लेट आरंभ है ना उत्तर भारत रे भी एवरीथिंग ओके थिला ना 15 December पर्यंत ओडिशा रे भी एवं नॉर्मल थिला आउ किंतु जेहेतु लेट रे आरंभ हो जा पश्चिम पवन जाउ जी तेणु ओडिशा रे तापमान भी धीरे धीरे फॉल हबो ऑलरेडी झारखंड बिहार रे भी टेम्परेचर रिपोर्ट है 8 degree 9 degree रिपोर्ट हो गला तेणु आमर जो पहाड़ी इलाक नवरंगपुर है कोरापुट है जो रिपोर्ट हो धीरे धीरे संबलपुर झारसुगुड़ा ये तो आसीजा ना तेणु बट डिलेड मोड रे ए वर्ष अच्छी विंटर ए वर्ष मतलब डिलेड रे अच्छी स्नोफॉल ना तेणु सेमती थरला भाया किसी ठंडा पवन आम पश्चिम रु उत्तर रु बहुन कूड़ी लाइक ओडिशा तो आमर जनवरी फेब्रुआरी रे मेजॉरिटी हुए है ना तापमान एक्चुअली हैज टू कम डाउन ना सर न्यू ईयर रही अनेक जगह सेलिब्रेशन पे प्लान हो तेणु आपंकर बुलेटिन ही अनेक बयान कर डिले हो फ्लाइट जमीक आप कहते फ्लाइट डिले हो ट्रेन डिले हो तो ये सिचुएशन सर 22 पर चेंजेस हो जाए 22 मतलब आमर कह कथा जे आमर तो फॉग जो फोरकास्ट मैंने करुचु से शॉर्ट रेंज रे करुचु 2 दिन 3 दिन करू तेणु सडनली देखिथे 18 December पर्यंत किसी नाला एवरीथिंग वाज ओके फॉग जो दिल्ली जो नेचुरल फॉग हो नाला तेणु आम स्पेकुलेट करूँ कौन है कहीं होनी क्योंकि सडनली ब्रॉड बैक एक्चुअली सर कि संभावना से गोटे कथा जे ए बर्ष वर्षा ना दिल्ली में पूरा नवेम्बर ड्राई डिसेम्बर भी मत लगुच पूरा ड्राई जाए मतलब अप टू 27 December तो आम पाखे जो लेटेस्ट अच्छी वर्षा ना नॉट ओनली दिल्ली नॉर्थ इंडिया पूरा ओडिशा परिप्रेक्षी सर सर भी सही टाइप किसी से सिस्टम ना ना नाइदर इन दि मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी कमिंग टू द कोस्ट जमी पचरे गला मैंडूस सो किसी क्लाउड दे गला किसी यू नो ड्रॉपलेट या ड्रिजिल है ओडिशा रे सेम टाइप सिस्टम किसी ना नेक्स्ट 7 to 10 days आपर वेस्ट डिस्टर्बेन्स ना तेणु कौन सिस्टम ना ट्रिगर करने को किसी वर्षा हाँपी कौन एरिया ओनली तमिलनाडु केरल पेनिनसुलर इंडिया हम ठीक है थैंक यू आपण शुणुले सीनियर साइंटिस्ट आर के जेनामणि सार आम सहित रही है लगातार भाव बुलेटिन जारी करा फॉग सिचुएशन जो तीनों राज्य में बर्तमान अधिक देखाई रेड अलर्ट रही पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश 22 पर सिचुएशन चेंजेस हो जो प्रवासी मैंने रोचे से अकॉर्डिंग
ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଶୀତର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୋହଡ଼ାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। IMD ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।